My lord. Actually, please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. मिशाल यूसुफ़ज़ई जी, मिशाल यूसुफ़ज़ई, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली उम्मीद हैं, तो क्या ऐसी बात हुई थी कि कमर अदालत ने जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कोई बात डांट भी आपको पड़ी जी? बात ये हो रही थी कि बराह रास्त समाज चल रही थी, मैं रास्ते में कि मैं पहुँच नहीं सकी, चीफ जस्टिस साहब ने बराह रास्त समाज में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई है बताए, उमेर नियाज़ी कौन है, खान साहब का कोई रिश्तेदार है कि नहीं है, मैं रास्ते में थी, सही है? तो जैसे जैसे ही मैं पहुंची तो सबसे पहले मैंने रोस्टम पे ही जाना था कि सर आप ऑर्डर लिख रहे हैं, हमारी थोड़ी हमारा वर्जन भी तो सुन लें ना, क्योंकि ना हमारे लॉयर्स इस टाइम मौजूद है, वो लाहौर हाई कोर्ट में टेक्नोलॉजी का निज़ाम है, आप उनको लाहौर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में बुला लें, उमेर नियाज़ी साहब बैरिस्टर उमेर नियाज़ी बैरिस्टर अली जफर साहब को बुला लें, और अगर नहीं बुला रहे तो मेरा थोड़ा सा सुन लें कि आपको इलेक्शन कमीशन गलत बयानी कर। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आपको क्या कहा? उन्होंने मुझे यही कहा कि आप बैठ जाए और आप पे कंटेम्प्ट हो सकता है, तो बस मैंने अपनी तरफ से उन्हें बताने की कोशिश की कि सर जो है ना, मैं उनको ये बताना चाह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने एक ये गलत बयानी की है कि 6-12 को पिटीशन थी, वो 12 को नहीं हुई थी, 6 दिसंबर को हुई थी। दूसरे मैं उनको ये इन्फॉर्म करना चाहती कि एक लेटर छुपा रहे, वो लेटर लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने लिखा था इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को और उनको बताया था कि आप दोबारा से ये फ्रेश एप्लीकेशन लाएं अलोंग विद द शेड्यूल, तो हम रिटर्निंग ऑफिसर्स तमाम जो है ना आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये बताएं कि ये जो उमेर नियाज़ी साहब थे, क्या इनको इमरान खान ने ही कहा था कि ये आप उमेर नियाज़ी साहब इमरान खान के फोकल पर्सन फॉर लीगल अफेयर्स? नहीं, आप कहते हैं कि इमरान खान के कहने पे ये तमाम जो प्रोसीजर है, आप दो चीज़ें गलत इंटरप्ट हो रही है। एक चीज है इलेक्शन का 8 फरवरी को होना, उससे हम ना एक दिन आगे जाना चाहते हैं ना एक दिन पीछे जाना चाहते, जो पत्थर पे लकीर हो पत्थर पे लकीर है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि 1988 से जो अब तक इस जुडिशल सिस्टम इस मुल्क के जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस कराते थे रिटर्निंग ऑफिसर्स वो कराएं, तो हम सिर्फ उस लिए आए, हम कहते हैं कि आप क्यों, मैं सिर्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझने भी आई थी, मैं समझने भी आई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मातहत अपने इस मुल्क की मातहत अदालतों पे एतबार करते हैं, और जो है ना जो रिटर्निंग ऑफिसर 1988 से जो अभी तक जुडिशल सिस्टम से हैं, तो वही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज होंगे या ब्यूरोक्रेसी से होंगे जो किसी और के मातहत है, और जिन्होंने इस मुल्क में अभी तक इस हजारों MPOs निकाल दिए, 1044 ऑर्डर्स निकाल दिए, तो फिर कैसे इलेक्शन? अच्छा, ये बताएंगे कि जस्टिस के रिमार्क्स के बाद क्या कहते हैं आप, निकल आई हैं फैसला लिखवा रहे हैं तो क्या आप? मैं सिर्फ मुझे उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस साहब एज स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी बात सुनेंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि एक घंटा तो मैं कुछ कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपना वर्जन बताना चाहती हूँ। अब अगर मैं रात पहुंचे हम इस टाइम जब ऑर्डर लिखा जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर कोई कार्रवाई होती है ना तो दूसरे फरीक को नोटिस किया जाता है जो पिटिशनर है, उन्होंने पूछा तो आप मौजूद नहीं थी ना, तो कोई भी मौजूद नहीं, हमें क्या पता था कि रातों रात अदालत खुल जाएगी और रातों रात ताकि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है हम वो टाइम पे होना चाहिए, हम अब भी चाहते तो ये जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।